बेसिकली जो मेरा अनुभव था बहुत अच्छा रहा फिल्म को लेकर के, क्योंकि ये फिल्म की कहानी अपने आप में बहुत ही नई है एंड ये साइकोटिक थ्रिलर फिल्म है। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में अगर आप काम करते हैं एज एन एक्टर या एज अ क्रू मेम्बर, तो आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, बहुत ही थ्रिल फील होता है। तो ऐसे मुझे भी बहुत मज़ा आया फिल्म में काम करके एंड मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था जी। जी राजीव सर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है एंड उन्होंने बहुत भी कामयाब फिल्में आगे बना रखी हैं एंड एक्सरे उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था एंड मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि एज एन एक्टर मुझे मौका मिला। लाइक उन्होंने ये फिल्म 10 ईयर्स पहले प्लान की थी एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ एंड बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी बारीकियों से चीज़ें बताई हैं एज एन एक्टर की, लाइक आपको क्या करना है एंड पूरी लिबर्टी दी थी मुझे कि आप कुछ भी कर सकता हूँ मैं अपने कैरेक्टर के साथ। नथिंग, जब मैंने ऑडिशन क्लियर किए थे एंड मुझे जब ये रोल के बारे में बताया गया था तो 2 वीक्स का टाइम था एंड मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि आप कोई भी वीडियोज़ मत देखना, क्योंकि क्या होता है जब आप इस तरीके के अगर रोल कर रहे हो, अगर आप कोई वीडियोज़ देखते हो तो आप उसको कॉपी करने की कोशिश करने लगते हो कहीं ना कहीं, तो वो अंदर से आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो बाहर नहीं आ पाती है। तो मैं सिर्फ बुक्स पढ़ा करता था, नॉवेल्स पढ़ा करता था एंड रात के टाइम में बैठ के उस कैरेक्टर के बारे में मैं सोचता था कि एज एन अगर वो कैरेक्टर भी होता तो वो क्या करता, क्योंकि एक साइको कैरेक्टर और एक नॉर्मल कैरेक्टर दोनों कोई भी चीज़ अगर करेंगे तो अलग अलग वे में करेंगे। तो वो बारीकियाँ सीखने के लिए मैं अपने आप को टाइम दिया मैंने बहुत एंड अकेलेपन में अपने साथ स्पेंड किया एंड तब उस कैरेक्टर के बारे में। जी इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, बहुत कैची नंबर्स हैं। एक तो प्रमोशनल नंबर है जिगिलिया जो कि ऑलरेडी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, प्लस हायर गाना है वो भी मैं कहती हूँ इंडो वेस्टर्न गाना है, उसमें कुछ इंग्लिश के लव्स हैं कुछ हिंदी हैं, तो कुल मिलाकर के रोमांस और बाकी सारी चीज़ें हैं मूवी में और मूवी के गानों में एक्चुअली। जो प्रमोशनल नंबर है वो तो प्रमोशनल नंबर है, उसका कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं है। एक है इसमें ड्रीम सॉन्ग है जो कि राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, अलका खान ने लिखा है और उसका नाम है हायर, तो वो वैसे हैं। इसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक जनवरी में कुछ गाने और आएंगे और फिर मुझे लगता है यहाँ से एक बेटर स्टार्ट होगा मेरे करियर के लिए भी। देखिए बेसिकली फिल्म का नाम है एक्सरे द रियल इमेज। एक्सरे द रियल इमेज अगर टाइटल आप समझेंगे कि टाइटल क्यों रखा गया होगा, एक्सरे एक अंदर की इमेज है उसके बारे में बताता है लोगों की जो भी, वैसे हमारी फिल्म का जो कैरेक्टर है उसकी जो एक अंदर की इमेज है उसके बारे में वो एक्सरे दिखा रही है, उसकी इनर इमेज क्या है। पिक्चर में 2 कैरेक्टर हैं जिनको हमने अभी लॉन्च किया है, राहुल शर्मा और याशिका कपूर, उन दोनों की डेब्यू फिल्म है ये पिक्चर। पूरी पिक्चर एक रात की कहानी है, लेकिन इस पिक्चर की सबसे बड़ी USP ये है कि ये 7 कैमरा सेटअप पे पहली फिल्म शूट हुई, जो 80-90% 7 कैमरा सेटअप पे शूट हुई फिल्म। फिल्म का गाना ऑलरेडी टॉप चार्ट में है, जिगलिया जिगलिया जिगलिया, और 29 फरवरी को ये फिल्म रिलीज है। देखिए क्या होता है आजकल वेब सीरीज चल रही है, वेब के ऊपर बहुत पिक्चरें चल रही है और लोग सब कन्वर्ट हो रहे, डाइवर्ट हो रहे, थिएटर से वेब पे जा रहे, सब मोबाइल पे जा रहे, तो कोशिश ये है कि जो वेब की मटेरियल है वो स्क्रीन पे कैसे लेके आया जाए। तो हमने कोशिश की एक एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई कि जो वेब को जो लोग पसंद करते हैं वो इस फिल्म को बहुत ज़रूर पसंद करेंगे और जो थिएटर में जाने वाले उनके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट रहेगा। आगे काफ़ी प्रोजेक्ट है, साजन चले, ससुराल 2 एक फ्लोर पर जा रही है, एक अलर्ट है फिल्म, एक जो मेरी जॉर्नर की माय फ्रेंड गणेशा की उसी में एक मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, लव यू शंकर, ये सब पिक्चर लाइनअप में। तो साजन की बात काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, तो बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कब तक। देखिए साजन चले ससुराल एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, आपको ये पता ही है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, पिछले 7-8 महीने से चालू है और भी जाएंगे, ये मेरे हिसाब से मार्च या फेब में हम फ्लोर पे इसको लेके चली जाएगी 2020 में। गोविंदा ही रहेंगे उसमें, वो तो आप थिएटर में या तो सरप्राइज आपको खुद को पता चल जाएगा। थैंक यू।